देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, रेप आरोपी हुआ गिरफ्तार। आपको बताते चलें, उधमसिंह नगर जनपद के सीमांत थाने झंगिया में लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने रेप के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। उधमसिंह नगर जनपद के सीमांत थाने झंकिया में बगुलिया गांव की एक युवती द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी कि दिया गांव के एक युवक धर्मवीर द्वारा उसे शादी का प्रलोभन देकर कई साल तक उसका शारीरिक शोषण किया गया और अब युवती द्वारा उसे शादी के लिए कहा गया तो आरोपी और उसके परिजन उसे धमका रहे हैं। पीड़ित युवती की तहरीर पर झंकिया थाना पुलिस ने दिया गांव के रहने वाले युवक धर्मवीर के खिलाफ रेप सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आज रेप के आरोपी युवक धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक को पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आप देख रहे हैं सितारगंज से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जिसने मुझसे शादी की झांसा दे करके अब शादी करने से मना कर रहा है, उसने मेरे शारीरिक शोषण भी किया है और रिपोर्ट करने पे उसके पापा मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर तू अपना रिपोर्ट वापस नहीं लेगी तो तुझे भी तो जो करेंगे करेंगे, तेरे जीजा को भी किसी केस में फंसा देंगे। बालिका है बगुलिया की रहने वाली, उसने तहरीर दी कि जो है एक लड़के से उसका प्रेम पसंद था, उसने शादी का झांसा देकर उसके यहाँ जो है कई बार जो है गलत काम किया। उसकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आज अभियुक्त जो का नाम धर्मवीर है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।